स्वागत नए वीडियो में आपका। अभी मैं कोच्चि में हूँ, कोच्चि बस स्टैंड है ये, और यहाँ से हमें मुन्नार जाना है आज। मुन्नार की अभी जैसे मैंने इंक्वायरी में अभी बात किया है तो उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट बस अभी नहीं है, 2 घंटे बाद जाएगी। तो ये बस जो है, ये वाली बस हमें लेके जाएगी बीच रास्ते में कहीं दूसरा स्टॉप पे उतर के, और फिर हमें आगे की बस लेनी होगी मुन्नार के लिए। तो इस बस में हम सफ़र करते हैं, और ये अरुणाचलम का बस स्टैंड, और ये आज की हमारी बस जो हमें मुन्नार के आधे रास्ते तक लेके जाएगी। उसके बाद हम आगे मुन्नार की दूसरी बस पकड़ेंगे। आइए बस में बैठते हैं और ये सफ़र शुरू करते हैं। बने रहें पूरे वीडियो मेरे साथ में, और आप भी मेरे साथ इस सफ़र को इंजॉय करें। ये ऐसी बस है ये। ये हमने हमारा सफ़र शुरू कर दिया है अरुणाचलम बस स्टैंड से, मुन्नार तक जाएंगे। आधे रास्ते तक ये बस जाएगी और फिर वहाँ से हमें दूसरी बस लेनी है। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ ये सफ़र इंजॉय करें। सफ़र हमारा शुरू हो गया है। ये देखिए ये बस स्टैंड, इससे बाहर निकली है बस, KSRTC बस स्टेशन अरुणाचलम। ये हमारा सफ़र कोच्चि से कोदामंगलम तक होने वाला है इस बस में। और यदि हम दूरी की बात करें तो यहाँ कोच्चि से कोदामंगलम तकरीबन 55-60 किलोमीटर दूर है, और इसका किराया 65 रुपीज़ है, 65 रुपये में ये बस हमें कोदामंगलम तक लेके जाएगी। और तकरीबन 1.5 घंटा इसमें लगने वाला है, 1.5 से 2 घंटा इसमें लगने वाला है। और उसके बाद कोदामंगलम से आगे हम दूसरी बस में मुन्नार तक जाएंगे। तो बने रहें पूरे वीडियो में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मुन्नार एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है केरला का, और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं पहले भी गया हूँ फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगा, और अभी ये दोबारा मैं 2 दिन का एक्सटेंड किया है। मेरा जो जर्नी था वो कोस्टल भारत का था, लेकिन क्योंकि मुन्नार पसंद था इसलिए मैं 2-3 दिन के लिए मुन्नार जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से वापस कोस्टल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहें पूरे वीडियो में और इस वीडियो को एंजॉय करें, और पूरा सीरीज आपको एंजॉय करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले इस पूरे ट्रिप के, कोस्टल भारत के, जिसमें 50 सिटी में देखने वाला हूँ अगले 2 महीने में, और 14 स्टेट से मेरा ये सफ़र गुजरने वाला है, तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सके इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। बाकी आप इस सफ़र को, इस ट्रिप को, इस वीडियो को इंजॉय करते रहें, बने रहें पूरे वीडियो में।
अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं कोदा मंगलम, और यहाँ से अभी हमारी बस, अगली बस जो हमें मिलने वाली है मुन्नार की, वो यहाँ आएगी। ये जैसे बस खड़ी है इसकी जगह में आएगी, और हाफ एन आवर है, आधा घंटा बाद आने वाली है। तो तब तक वेट करते हैं, जो भी बस आती है उसमें हम आगे चलते हैं। तो बने रहें, मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये हमें बस आगे के सफ़र के लिए मिली है कोदामंगलम से मुन्नार के लिए। यदि हम यहाँ से कोदामंगलम से मुन्नार की बात करें, तकरीबन 70-75 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया। यदि पिछले सफ़र की बात करें तो हम कोची से कोदामंगलम तक तकरीबन 50-55 किलोमीटर चल के आए हैं, और टोटल ये सफ़र हमारा कोची से मुन्नार का तकरीबन 125-30 किलोमीटर का है। तो अभी हमने कोदामंगलम से इस बस में हमारा सफ़र शुरू कर दिया है, और ये अभी बस स्टैंड से बाहर बस आ गई है, और अभी ये हाईवे पर हम लोग चल पड़े हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहें और पूरे वीडियो को एंजॉय करते रहें। और ये सफ़र बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मुन्नार एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, और ये पूरा उस हिल स्टेशन को हम इस रास्ते में देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार रास्ता है, तो आप भी मेरे साथ में इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करते रहें। ये हमारा सफ़र कोदामंगलम से मुन्नार तक का तकरीबन 70-75 किलोमीटर का है, जिसमें हमें किराया 125 रुपये देना पड़ा है। ये हमारी बस एक्सप्रेस बस है, काफ़ी लॉन्ग रूट की बस है, ये त्रिवेंद्रम तक जाएगी ऐसा बताया गया है। तो काफ़ी लॉन्ग रूट की बस है और एक्सप्रेस बस है, और आगे क्योंकि हिल स्टेशन है, हिल है पूरा, तो हिल में कभी भी पहाड़ों में थोड़ा सा किराया ज़्यादा ही होता है, बस को टाइम लगता है, और इसलिए इसका किराया 125 रुपये हमसे लिया गया है। पिछले किराए की जैसे मैंने आपको बताया 65 था, जो तकरीबन 50-55 किलोमीटर 60 किलोमीटर का जो सफ़र था, लेकिन ये जो सफ़र हमारा है ये तकरीबन 70 किलोमीटर है, लेकिन इसमें किराया 125 रुपये लगा है। बाकी आप ट्रिप को इन्जॉय करते रहें, बने रहें पूरे वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। एंजॉय करते रहें मेरे साथ में।
साथियों, इस तरह से ये ट्रिप हमारा पूरा होता है। अभी हम मुन्नार पहुंच गए हैं, तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं, बस स्टेशन आने वाला है। पीछे एक मेन बस स्टेशन चला गया और आगे जो है अभी एक मुन्नार का जो छोटा बस स्टैंड उसको हम बोल सकते हैं, मुन्नार सिटी में हमें उतरना है और उसके लिए ये बस स्टेशन भी आने ही वाला है। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।